आगामी मुहर्रम व गणेश चतुर्थी के त्यौहार को लेकर निकलने वाले जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए बेलीपार थाना परिसर में पीस कमेटी का आयोजन बुधवार को क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान बैठक में मुतवल्ली, प्रबंधक, आयोजक, डिजिटल वॉलंटियर्स, पीस कमेटी के सम्मानित सदस्यगण और तमाम पार्टियों के नेतागण सहित भारी संख्या में संभ्रांत व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी वर्गों के संभ्रांत नागरिकों ने बारी बारी से अपनी बातों को वहां मौजूद अधिकारियों के समक्ष रखा और वहां उपस्थित अधिकारियों ने भी उनकी बातों को बड़े बारीकी से सुनकर उनके निस्तारण का भरोसा दिया। इस दौरान कार्यक्रम में बेलीपार थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, SSI परवेश कुमार सिंह, SI देवी शंकर पांडे, SI रविसेन यादव, SI लालचंद वर्मा सहित सर्किल के चौकी प्रभारी भागवत चौधरी सहित क्षेत्र के गणमान्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, इधर से लेके आएंगे और आप? नहीं, वही कुड़िया के पास इनका भी कार्य रहेगा, वही पर सबका इकट्ठा होगा। आप ये उस रास्ते से वहाँ शामिल हो, रात में चौक में रख देंगे, रात में नहीं घुमाना ना? नहीं, इधर से घूमते हुए जाता है, साथ बताते नहीं, गांव में जाता है। 10 बजे रखेंगे चौक पे, फिर उसके बाद सुबह ना बाबू? नहीं, घुमाएंगे रात में? नहीं, हाँ घूमती जाती है। अगले बार बवाल हो गए, सब बंद हो गए, टूटी रास्ता का बड़ा परेशानी बन रहा है। पहले सब पूछे आप सब आगे लोग हमें सब जो पीस कमेटी की मीटिंग दक्षिणी क्षेत्र में या पूरे जनपद में हर थानों पे की जाती है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी त्यौहार होते हैं उसके पहले हम लोग मिलजुल के बैठ लें पब्लिक से, पब्लिक के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे पीस कमेटी के मेम्बरान हैं उनसे बातचीत कर लिया जाए। उनसे बातचीत करके अगर कोई समस्या है वर्तमान में उसका निस्तारण समय रहते कर लिया जाए। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो मुहर्रम का त्यौहार है और गणेश चतुर्थी या अनंत चतुर्दशी वगैरह जो त्यौहार हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये पीस कमेटी का आयोजन हर थानों पे करने के लिए थाना अध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया है। ऐसे कोई अगर समस्या होती है तो उसका समय से पहले ही उसका निस्तारण कर लिया जाए और हम लोग के संज्ञान में लाया जाए।